कक्षा 9 के सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और मॉकिंग एक्सरसाइज है। इसमें से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं लिखनी है। परिमेय संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके और वो अंडर रूट के अंदर ना हो, अंडर रूट से बाहर। जैसे कि अंडर रूट तीन का पूरा मान नहीं निकाल सकते क्योंकि तीन का वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि आपका अपरमेय हो जाएगा। पाई का मान अपरमेय होता है, जबकि 22/7 जो पाई का मान है वो परमेय होता है। तो यहाँ पर ये हमारी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये परमेय है। अंडर रूट चार का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 6 ये भी आपकी परमेय हो जाएगी। 4 × 16 = 17, 17 हमारी अंडर रूट 17 एक अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय हो जाएगी और ये परमेय हो जाएगी। तो यानी कि 22/7 3 अंडर रूट 4 2.33 ये हमारी परमेय संख्या है और बाकी शेष अपरमेय संख्या है। तो हमें केवल परमेय बताना है, तो केवल और तीन परमेय संख्या है। सवाल नंबर दूसरा, इसमें से हमें बताना है कि अंडर रूट 4 अंडर रूट 0.4 4 और 5 में अपरमेय संख्या, तो ये हमारी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2/1 करके परमेय संख्या बना लेंगे, 4/1 करके ये भी परमेय संख्या, 5/1 बराबर परमेय संख्या, लेकिन ये हमारी अपरमेय संख्या है। क्योंकि अगर इसके स्थान पर लिखा होता कि 0.04 तो पूरा 1 जोड़ा बन जाता और 2 × 4 हो जाता, तो ये वर्गमूल से बाहर हो जाती, लेकिन यहाँ पर है 0.4 तो ये आपकी है अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या है। फिर इसके बाद तीसरा है, निम्नलिखित में से परमेय संख्या चाहती है, तो अंडर रूट 3 अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि यह अपरमेय है, और ये वाली की संख्या 3 × 7 = 3 बराबर डॉट डॉट करके आ रही है, तो इस संख्या का हम मान नहीं निकाल सकते, ये भी हमारी अपरमेय है। और पाई का मान भी अपरमेय होता है, पाई अपरमेय है, पाई का मान परमेय है, तो पाई अपरमेय है, तो यानी कि केवल अंडर रूट 1 जो है वो हमारी परमेय संख्या है, केवल अंडर रूट 1 परमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। फिर इसी प्रकार से चौथे में परमेय और अपरमेय छांटनी है, तो अंडर रूट 3 का मान निकलेगा नहीं, इसलिए ये हो जाएगी अपरमेय, अपरमेय। अंडर रूट 7 का मान नहीं निकलेगा, ये भी अपरमेय हो जाएगी, और इसका मान निकल आएगा तो 5 − 2 बराबर 3, तो 3 परमेय हो जाएगी, ये परमेय है। और ये वाली हमारी संख्या क्योंकि इसमें जोड़ा एक बन जाएगा, तो जोड़ा बन करके बाहर निकल आएगा, ये भी हमारी परमेय है। तो ये दो संख्याएं हमारी परमेय है और ये दो संख्याएं हमारी अपरमेय संख्या है। फिर इसके बाद है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 अंडर रूट 15 में परमेय संख्या जाती है, तो अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, अंडर रूट 3 का भी नहीं होता है, अंडर रूट 15 का भी नहीं होता है, तो अंडर रूट 9 माने अंडर रूट 9 बराबर 3 अंडर रूट 9 बराबर 3 और 3 हमारी एक परमेय संख्या है, तो यहाँ पर अंडर रूट 9 भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद है इसमें भी परमेय संख्या बतानी है, तो जिसका वर्गमूल निकल आया वो परमेय है, जिसका न निकले तो अपरमेय है, यहाँ पर केवल 16 अपरमेय है और बाकी सभी सब अपरमेय है। जैसे सातवें में सातवें भी परमेय बताना है, तो अंडर रूट 4 परमेय है, अंडर रूट 9 परमेय है, अंडर रूट 16 परमेय है, बाकी आपकी अपरमेय है। फिर इसके बाद आठवें में अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 7 ये सब आपकी अपरमेय है, परमेय संख्या है अंडर रूट 4/9 और अंडर रूट 9, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट 4/3 का वर्गमूल 2/3, तो ये परमेय है और ये परमेय है, बाकी अपरमेय संख्या है। फिर इसके बाद है सवाल नंबर 9 जिसमें हमें परमेय और परमेय संख्या चाहती है, तो परमेय संख्या क्योंकि 225/15 का वर्गमूल होता है, तो ये आपकी परमेय हो जाएगी। इसको आप दशमलव बता सकते, इसकी बटे 1 लिख करके इसको भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी परमेय है। बाकी शेष संख्याएं जो है वो अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, अपरमेय है और अपरमेय है। इसके बाद बेटा 10वां नंबर है, यहाँ पर 2 × 7/11 के हर को परमेय करने के लिए, यानी हर को अंडर रूट से बाहर निकालना है और उसका परमेय
परमेकरण हो गया। इसी प्रकार से इसकी भी हर को परमेकरण करना है, तो अंडर रूट पांच प्लस अंडर रूट तीन, अंडर रूट पांच माइनस अंडर रूट तीन, इसमें संयुग्म भी गुणा करेंगे, अंडर रूट पांच प्लस अंडर रूट तीन, अंडर रूट पांच प्लस अंडर रूट तीन का, तो ये बन जाएगा अंडर रूट पांच प्लस तीन का होल स्क्वायर। अंडर रूट पांच प्लस अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट पांच का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर। ऊपर वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे वाला ए प्लस बी माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट पांच का वर्ग पांच, अंडर रूट तीन का वर्ग तीन बी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट पांच इंटू अंडर रूट तीन बटे पांच माइनस तीन। तो यहाँ पर होगा पांच तीन आठ प्लस दो अंडर रूट पंद्रह बटे दो, इसमें दो कॉमन ले सकते हैं, तो चार प्लस अंडर रूट पंद्रह बटे दो, दो से दो कैंसिल कर दो, तो चार प्लस अंडर रूट पंद्रह, ये हमारा परमेय हल हो गया। फिर इसी प्रकार से बारहवें सवाल में इसको एलसीएम लेकर के किसी एक्सरसाइज में लगा सकते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट पांच प्लस दो और अंडर रूट पांच माइनस दो, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो अंडर रूट पांच माइनस दो का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट पांच प्लस दो का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर यानी अंडर रूट पांच का होल स्क्वायर पांच प्लस दो का होल स्क्वायर चार और प्लस दो माइनस दो भी चार अंडर रूट पांच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसके बाद चिन्ह लगाया बीच में माइनस का, जो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पांच प्लस चार अंडर रूट पांच बटे, इनके हर का गुणा करेंगे तो अंडर रूट पांच का होल स्क्वायर माइनस दो का होल स्क्वायर, तो पांच और चार कितना होगा नौ, माइनस चार अंडर रूट पांच नौ माइनस के हो जाएंगे और माइनस के हो जाएंगे चार अंडर रूट पांच बटे पांच माइनस दो, नौ से नौ कैंसिल कर सकते हैं, माइनस के हो गया आठ अंडर रूट पांच बटे तीन। तो इसका भी यहाँ पर दो गुणी चार हो जाएगा और पांच में से चार जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा बराबर आ जाएगा माइनस आठ अंडर रूट पांच। इसका भी हल जो है